हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोहित शर्मा के बारे में। आखिरकार उनके कैच ड्रॉप का ऐसा क्या रिकॉर्ड बन गया है जिसकी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी रोहित शर्मा के फैन है तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरी खबर को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा का तूफानी अंदाज मौजूदा वर्ल्ड कप में अभी भी जारी है और मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ भी जारी रहा। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 104 रनों की बेहतरीन पारी खेली और वहीं रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट में इस शतक के बाद 500 रन से ज्यादा रन बना डाले हैं। और वहीं रोहित शर्मा का इस मैच में तमीम इकबाल ने कैच ड्रॉप किया और फिर जीवनदान उन्हें मिल गया। और इसी के साथ वर्ल्ड कप में विरोधी टीमों को उन्हें जीवनदान देना काफी महंगा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की 7 पारियों में उन्हें 5 बार जीवनदान मिला है। आप सोच सकते हैं, मतलब 7 पारियां खेली और 5 बार जीवनदान। और दोस्तों जब उन्हें जीवनदान मिला है उन्होंने 4 उसमें से शतक जड़े हैं और 1 अर्धशतक जड़ा है। मतलब कि 5 जीवनदानों के बाद इतना बेहतर रोहित शर्मा खेलते हैं। वहीं दोस्तों हम आप लोगों को बताएं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले वर्ल्ड कप मैच में कप्तान फाफ ड्यू प्लेसी ने रोहित शर्मा का कैच ड्रॉप किया था, जिसके बाद रोहित शर्मा ने नाबाद 122 रनों की पारी खेली थी। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी नाथन कुल्टर नायल ने रोहित का कैच ड्रॉप किया था और वहीं रोहित शर्मा ने इस मैच में 57 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। और वहीं दोस्तों तीसरा मैच जो पाकिस्तान के साथ हुआ उसमें भी रोहित शर्मा बहुत ही जल्दी पवेलियन की तरफ लौट सकते थे। वहीं दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ मैच में फकर जमान के पास डायरेक्ट हिट करके रन आउट करने का रोहित शर्मा को बेहतरीन मौका मिला था, लेकिन उन्होंने गलत एंड पर बॉल फेंक दी और रोहित शर्मा को जीवनदान मिल गया, जिसके चलते उन्होंने 140 रन बना दिए थे। और वहीं रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ भले भारतीय टीम जीत हासिल न कर पाई, लेकिन रोहित शर्मा के बल्ले से फिर शतक निकला। और इस मैच का तो बताना क्या है, आपको पता ही होगा कि इस मैच में अंग्रेजी बल्लेबाज जो रूट ने रोहित शर्मा का कैच ड्रॉप किया था, जिसके चलते रोहित शर्मा ने 102 रन बनाए थे। और वहीं मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ भी ये सिलसिला जारी रहा और 5वें ओवर की 4थी गेंद पर रोहित शर्मा ने मिड विकेट पर शॉट खेला। तमीम इकबाल ने कैच लेने की कोशिश की लेकिन उनसे कैच ड्रॉप हो गया। रोहित शर्मा उस समय 9 रन के निजी स्कोर पर ही खेल रहे थे, लेकिन अब कैच छोड़ा है तो भुगतना तो पड़ेगा। तो अब भुगतते हुए 104 रनों की पारी खेली रोहित शर्मा ने। तो आप लोग देख सकते हैं कि रोहित शर्मा का जब कैच छूटा है, जब रोहित शर्मा का बल्ला चला है ना। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है रोहित शर्मा के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। और हमें उम्मीद है कि यहाँ पे दिखाई गई ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली एक और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।